मेरे को ठंड सही में नहीं लग रहा है क्या यार, कि मुझे कुछ बीमारी हो गया है, जो भी हो। आ गया भीतर के सामने, लोगों देखने जा नहीं सकता भाई, सिग्नल हो रखा है, जो भागा हो यार। बाय गॉड, मेरा हालत खराब हो रखा है, इवन मैंने ट्राइपॉड भी नहीं निकाला। ओके, सिग्नल इसको हुआ नहीं है, वेब 7 है। चले क्या देखने है? चलो चलते हैं, अगर रिटर्न आ गए तो पकड़ लेंगे, नहीं हुआ तो किसी में भी उठ जाएंगे। 12837 भाई, हावड़ा पूरी। यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम जो है आपको 10:40 पे है, 10:43। ऐसी यार ये लेट करता है ट्रेन तो अच्छा ही हुआ यार, कितना लोगों का भगदड़ मचा होगा इसके लिए। और आगे ऐसे ला रहे तो लोग चढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट एसी सबसे आगे तरफ है, इधर भी घूमो। ऐसी यार को डोमिनेट कर लिया क्या, घूमो यार। अब जब तक ये घुसेगा नहीं तब तक हम लोग को सिग्नल मिलेगा नहीं। भागा दौड़ी करने का फायदा हुआ, मैं पहुंच गया, लोगों को देख लिया। घूमो वेब 7370444 सॉलिड हॉन्कर है, मजा आएगा। और ये मेरे ख्याल से चेन्नई में है, ऑन टाइम स्टंट हो रही है। चलो चलते हैं अपने कोच के तरफ, और क्या बोलूं भाई साहब। चलो, इसके कारण हम लोग का थोड़ा सा ट्रेन लेट हुआ, अच्छा हुआ जिसका ट्रेन छूट रहा होगा वो पकड़ लेगा, मैं ही वो गधा हूँ जिसका ट्रेन छूटने वाला था। भाई साहब 8 मिनट डिले। चलो, गाड़ी डिपार्ट कर गया पूरा नॉर्मल टोन के साथ, इस ओके कोई बात नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ, सबको फोन करूँ कि भाई ट्रेन में बैठ गया हूँ। 10 बजे मैं निकला था, 10 नहीं ऑलमोस्ट, हाँ 10 के आसपास मैं निकला था आपको जादवपुर से, और पकड़ लिया। जर्नी कैसा होता, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? पहली बता दूँ, मैं इसे भुवनेश्वर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरी वंदे भारत कन्फर्म नहीं हुआ था। भुवनेश्वर से आप जाने को शताब्दी लेके चला होगा। वैसे एक और बात जो है, कुछ मंदिर बैठ के सर करता हूँ आपके साथ, बहुत जरूरी है आपके पास, बहुत लोग को डाउट होता है। इस बार साइड लोअर मिला है, लंबा जर्नी में साइड लोअर नहीं, मिडिल अपर मिल जाता है, यहाँ साइड लोअर मिला। क्योंकि मैं जब टिकट बुक कर रहा था तो मैंने दिया था तत्काल में ऑप्शन कि मुझे लोअर मिले तो ही तत्काल बुक करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि उतना मन नहीं था जाने का। फिर मिल गया यार, वो देखो साइड लोअर मिला यार, क्या बोलूँ यार, बढ़िया है। देखो यार, एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा शेयर करना चाहता लोग के साथ, जो लोग में बहुत डाउट होता है कि एसी में खाना फ्री होता है, एसी में खाना फ्री नहीं होता है, और खास करके हर ट्रेन में नहीं मिलता, सिर्फ प्रीमियम ट्रेन में मिलता है। एग्जाम्पल के तौर एग्जाम्पल सिर्फ 4 ट्रेन है जहाँ तक हूँ मैं जानता हूँ, एक आपको राजधानी हो गया, शताब्दी, दुरंतो एंड वंदे भारत, बस इसी 4 ट्रेन में मिलते हैं अगर आप पैसा दे रहे हो तो, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको, बाकी कोई भी ट्रेन में नहीं मिलेगा, हम सफर में भी नहीं मिलेगा। खरीदने से मिल जाएगा, पर वो तो नहीं टिकट में इंक्लूड वो नहीं रहता, खरीदने से मतलब वो जो पैंट्री कार से बनता है, इसमें पैंट्री कार नहीं है। पहले बता दूँ, इसमें टोटल 8 स्लीपर है, एक फर्स्ट एसी, 2 2 टायर, 5 थ्री टायर है, 2 आपको 3 टायर इकोनॉमी है, जो कि एक टाइप से स्कैम है। इस फेयर से 100 रुपये कम पड़ेगा, मैंने इसके लिए नियर अबाउट 1100 दिया था तत्काल में, ऑलमोस्ट सही बोला था, 1200 के आसपास लगा इसका, तो 800 के आसपास आपको इसमें लग जाएगा, मोटा मोटी मैं बोला 850 के आसपास आपको नॉर्मल पड़ेगा 3 टायर। 2 टायर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको 1100 से 1200 पड़ेगा, जो भी है इस तरफ में दिख रहा है 2 टायर का। फर्स्ट क्लास का थोड़ा महंगा है, स्लीपर और भी सस्ता है, और जनरल तो है, जनरल का टिकट आप जानते हो काउंटर से लेना होगा, ये सब टिकट आप ऐसे किसी से भी बुक कर सकते हो, काउंटर से भी कर सकते हो। बेस्ट इज साइड लोअर का एक ही है, या तो स्टार्टिंग में बुक कर लो, या तो तत्काल में भाई एकदम जो बोलते हैं ना फर्स्ट में एकदम, मैंने ये तत्काल का जो टिकट बुक किया था एकदम .10:02 पे गया था, तो 2 मिनट में साइड लोअर मिल गया। मे भी शायद रस नहीं हो, शायद इससे जल्दी बुकिंग हो गया, तो अदरवाइज ना तत्काल में भी इसमें सीट नहीं मिलता, क्योंकि पूरी जाने के लिए लोग बहुत इसको प्रीफर करते हैं सोने के लिए, जैसे कि आपको मालूम ही तो है यार, बहुत सारी ट्रेनें पूरी के लिए, एक वंदे भारत हो गई जो सबसे तेज हो गई, उसके बाद शताब्दी भी है, फिर दिन पे बैठो और जाओ, वही वाला हाल है। धौली एक्सप्रेस लोग रिटर्न में प्रीफर करते क्योंकि सस्ता है, और 10 बजे पकड़ो पूरी से और आप हावड़ा आ जाते हो, तो ये सब कुछ है। और ये ट्रेन सांतरागाछी स्किप करता है, जाते वक्त भी, तो आते वक्त वाला थोड़ा बड़ा चीज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ट्रेनें सांतरागाछी रुकती है, जो रिटर्न जो हावड़ा तरफ आती है। क्वाइट गुड यार,
भी इंटीरियर बता दूँ कैसे कैसे है। जनरली इसमें एक सिर्फ चार्जिंग सॉकेट दिख रहा है, साइड ओपन में भी शायद नहीं है, साइड ओपन में नहीं है, उस तरफ में दो है 10 से बस, और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें आप पावर बैंक लेके रखिए तो अच्छा है। पुराना कुछ मिला तो चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलेगा, नया मिलेगा तो ज़रूर मिल जाएगा। बेड सीट में थोड़ा बहुत कहीं दाग था, वो पैसेंजर का गलती है, क्योंकि कोई इसको पर्सनली एकदम हाथ से तो रगड़ के धो नहीं रहा है, वॉशिंग मशीन में धुलाई हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत दाग रह गया, हार्ड स्टेन है, नहीं हटा है। वहाँ पे एक ब्लैंकेट दिख रहा है आपको, एक नॉर्मल दो बेडशीट रहता है, एक आप ब्लैंकेट के साथ ओढ़ सकते हैं, और एक पिलो है यहाँ पे। जैसे टॉवल नहीं है, टॉवल चाहिए होगा तो आप अटेंडर से मांगे वो दे देंगे। फिलहाल यहाँ अटेंडर ही पूरा अंडरग्राउंड है तो मुझे उम्मीद नहीं है कि टॉवल मिलेगा। बैग में एक है, हो जाएगा। वॉशरूम है भाई साहब, झकास नहीं है, हाल इसका बेहाल है। मालूम नहीं गाड़ी 110 पे क्यों चल रहा है यार। देखो मेचिदा निकलने के बाद शायद 130 मारे अलवी साहब, और या पासपुरा के बाद मारे, देखते हैं जो भी हो। और यही है वॉशरूम, देख सकते हो भाई, एक नॉर्मल यहाँ पे बस लिक्विड सोप है, आई थिंक भरा हुआ है, यस भरा हुआ है, चलो थोड़ा सा गिर गया कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ पे नीचे फ्लश वो मैनुअल है, नीचे का हाल बहुत ज़्यादा ही गंदा है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे रगड़ रगड़ के साफ हुआ है, नॉर्मली है, ये खाली है, बेड़ आ गया है भाई साहब। लग नहीं रहा है कि मैं किसी एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ यार। और ऊपर देखो, ये दिख रहा है भाई, ओ गॉड क्या बुरा हाल है यार, क्या बुरा हाल है यार, मतलब कर रहे हैं। और टाइम देखो भाई, वैसे गाड़ी वहीं से 10 मिनट लेट डिपार्ट किया था, यानी आपको हावड़ा से हम लोग 10:40 की जगह 10:50 पर डिपार्ट किए थे। इस तरफ में जो गाड़ी भरा है भाई साहब, एलपी साहब आफ्टर पास पूरा एक नंबर, पूरा 130 पकड़ के चलाया भाई, 130। अब देखो यार मैं एक्साइटेड क्यों, आपको मालूम है हर गाड़ी 130 मार रहा है, पर एक होता है ना जिस ट्रेन में आप ट्रेवल करें, अगर वो 130 मारे तो एक अलग ही फील आता है यार, मतलब होता है समझो यार, हमें ट्रेन ज़्यादा पसंद है इसलिए हमको थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है। 500 किलोमीटर दूर है आपको हावड़ा से पूरी, ये करीब 8.5 घंटा लगाता है, जानता हूँ बहुत ज़्यादा है पर लगाता है। खड़गपुर है, फिर बालेश्वर है, फिर भद्रक है, फिर जाजपुर के नजर रोड है, डैम कटक है, फिर भुवनेश्वर खुर्दा रोड के बाद इसका दो हॉल्ट है जो पूरी के बीच में, जनरली कोई ट्रेन देता नहीं है पर इसका हॉल्ट है, ये अच्छा है, वो वहाँ के लोग को सर्विस दे रहा है, मतलब हावड़ा से वहाँ, अब वहाँ से कौन पूरी जाने वाला है, तो उसका नाम है कनास रोड और एक है आपको डिलान, कनास रोड और डिलान ये है। खाने पीने का बहुत कुछ है खड़गपुर में, KGP कोड है, हम लोग बंगाल में ही हैं अभी, उसके बाद हम लोग उड़ीसा में धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे। 4 नंबर पर आके गाड़ी रुकी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो 2 नंबर था, अब 4 नंबर। चलिए वहाँ पानी खरीदते हैं, प्यास लगा मुझे सॉलिड। 12:13 पे था, 12:18 पे है और यहाँ मुझे मिल गया, जो उस समय भागा ना यार, कुछ मिल ही नहीं रहा था, फाइनली अब जाके मिला।
देखो वो वाली जो प्लेटफॉर्म है वो 3 नंबर है, पीछे तो 2 नंबर था, मतलब उस तरफ 1 नंबर था 2 नंबर, और हम लोग जब आगे आए हैं ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये आपको मालूम है लंबा प्लेटफॉर्म, तो एक प्लेटफॉर्म पे 2 गाड़ियाँ खड़ी होती है, वो भी फुल फुल, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा गाड़ी, मतलब पूरा ICF में 24 और ये वाला मान के चलो 22। भाई एक बात बोलना नहीं चाहता हूँ, अभी ऐसे थोड़ा बहुत कंप्लेंट किया आपको स्टार्टिंग में बेचे थे, ऐसा उसमें कि बाथरूम क्लीन नहीं है, स्मेल गंदा कर रहा, अभी आगे किसी ने स्प्रे मार के गया, क्या सॉलिड स्मेल कर रहा है यार, मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है यार जिसने भी स्प्रे मारा ये। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हम लोग लगभग मोटा मोटी 20 मिनट डीले है। गॉड, फिर से नॉर्मल टोन, इतना अच्छा हॉर्न करे फिर भी नॉर्मल टोन। हम लोग बालेश्वर आ गए हैं भाई साहब, एक 35 पर अराइवल था और एक 40 पर डिपार्चर, देख लो 2-3 हो रहा है, एकदम ऑलमोस्ट वही टाइम मेकअप करके चल रहा है जो खड़गपुर में था। वीडियो कब लिया भाई, कैमरा ख़राब कर दिया मैंने, बस अब बता रहे कैसे ख़राब हुआ है, किस्मत के लगे पड़े भाई, जो ऐसा ऐसा मेरे साथ दिन गुजर रहा है मेरा, क्या ही बोले यार, मेरे को ठंड सही में नहीं लग रहा है क्या यार, कि मुझे कुछ बीमारी हो गया, जो भी हो बात इतना सा है कि इसमें लगता है टाइप सी पोर्ट, और मेरे पास जो चार्जर है वो 2 अडेप्टर वाला है, तो उसमें एक लाइटनिंग है ऑफकोर्स आईफोन वाला और एक टाइप सी है। मैंने क्या किया, जोश जोश में आके हड़बड़ी में इसमें लगा दिया था मैंने वो आपको लाइटनिंग पोर्ट, पिन जो था टेढ़ा मेरा हो गया, इतना देर से बैठ के हम मतलब अंधेरा में वही लाइट, एक तो फ्लैश लाइट यूज़ करके आँख पे जो असर पड़ा ना अभी भी लग रहा है, आँख ख़राब हो रखा है उसको मैंने, क्यों लास्ट में कीरिंग वीरिंग खोल के क्या यहाँ पे भी कर रहा था, यहाँ पे मेरा वो पिन गिर गया इसका। चलो यार अब चार्ज हो रहा है, इसको जैसे तैसे चला के घर पहुँच गया, उसके बाद अपने दुकान में दे देंगे, अंकल शायद बना देंगे तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे 20 मिनट के ही आसपास डीले हैं बालेश्वर। थैंक गॉड, मेरे दिमाग में ये कहाँ से एक बुद्धि आया कि मैं चेक कर लूँ उसका पिन और अपना वो चार्जिंग का पिन, चार्जर का पिन तो सबसे निकला, इसका पिन जैसे ही देखा मैंने, देखा ये कैसे कैसे ख़त्म, मैं बोला ख़त्म, पिन आप भी देख के समझ सकते हो, गोल्डन गोल्डन लंबा लंबा होता है बस। सिग्नलिंग भी सॉलिड था, लंबा सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं अभी तक कर रहे हैं, दूर में दिखेगा वहाँ पे उस तरफ में गार्ड साहब भी कर रहे हैं, सही सलामत काम कर जाए और ये चेंज हो जाए टाइप सी पोर्ट, अगर टाइप सी चेंज नहीं हुआ तब तो फिर भैया पॉकेट खाली करना पड़ेगा और नया कैमरा खरीदना पड़ेगा। वैसे ही रूट में अभी बैक टू बैक में ट्रैवल करूँगा, फलकनामा का LHB रन, फर्स्ट LHB रन करूँगा अगर ये सही रहा तो।
रस आ गया यार, आज तो मजा आ गया। मतलब इसका जो आज जो इस सब कंट्रोलिंग मिला बिल्कुल हो गया। बालेश्वर से 20 मिनट डिले, यहाँ पर हम लोग की 6 मिनट डिले। फील हो रहा था कुछ दिन सर। और भाई देखो मैं एसी में टिकट नहीं है तो सर जाते हो सोने यार, नहीं सोएंगे तो पाप लगेगा। बस बाकी वेटिंग हॉल में बैठ के सोना नहीं चाहता हूँ यार, प्रॉब्लम शुरू हुई। थोड़ा देर में इसको सिग्नल मिल जाएगा। मैं देखो यार 1 2 8 3 7 ये पूरी जा रही है। इसका एडवांटेज मेरे हिसाब से बस यही है कि अगर टूवर्ड्स आप पूरी जा रहे हैं तो मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट है आप 7 बजे उतरो, 8 बजे होटल चेक इन कर सकते हो। रिटर्न आने वाला मेरे ख्याल से मुझे सही नहीं लगता है, रीज़न है क्योंकि देखो भाई 7 बजे अगर आपका होटल आपको बोलता है कि निकलो 8 9 10 बजे तक दिन में, तो आप रात के 8:15 तक क्या करोगे? ये जो रिटर्न आती है पूरी से आगरा वो 8:15 पर, और अगले दिन आप 4:45 पर पहुँचेंगे। जस्ट LHB वाला फील भाई साहब। इसमें पेंट्री का नहीं है, इसमें पानी तक भी इसमें कोई नहीं आ रहा। तो अगर आप हावड़ा से बोट करो, कहीं से भी बोट करो, पानी ले लेना, बहुत धीरे बोलना, सारे लोग सो रहे हैं। इसका AC सबसे आगे है, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आप पूरी जा रहे हैं तो अभी बता दूँ, AC सबसे आगे तरफ है। फर्स्ट AC, 2 टायर, 3 टायर, 3 टायर इकोनॉमी, देन फिर स्लीपर है। मतलब इसमें देखो भाई स्टार्टिंग में H1 है, तो A2 A1 ऐसे है, उसके बाद फिर B5 से लेके आपको B1 तक है, उसके बाद फिर M2 M1 है, एंड देन फिर आपको स्लीपर में भाई साहब S8 से लेके S1 तक है। तो याद रखिएगा S1 सबसे लास्ट में है, उसके बाद पीछे 2 जनरल है, आगे एक SLR है वो भी हाफ जनरल है। तो अगर आगे आ रहे हैं तो आप फंस सकते हैं। बाकी देखते हैं लाइट इसलिए अच्छा रहा इस तरफ में ना, बहुत सॉलिड लाइट है यार, देख रहे हो यार, मतलब सिस्टम पे काम चल रहा पूरा। क्या ये भी अमृत भारत वाला सिस्टम में नाम में तक है यार, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। 5 मिनट का हॉल्ट है, सिग्नल हो गया, वो भी ग्रीन है, वाह सिग्नल ग्रीन मिला है। और वही है टिपिकल एकदम झटका मार के LP साहब निकले। मुझे लगा अंदर तरफ में ना स्रील आ रहा है, इसलिए मैं गेट पे आया ताकि मैं देखूं क्या पता स्रील सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर स्रील आ नहीं रहा है और वही नॉर्मल टोन है। ज़्यादा मिस करता हूँ वो है भाई, सबसे बड़ा चीज़ है मेरे लिए नींद, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है ट्रेन में जो सोने का मज़ा है ना वो शायद कहीं और ना मिले, और वही मैं चीज़ इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा ऐसा हाल है कि भाई साहब इसको खोल लेते हैं तो थोड़ा इंसान लगेगा। Thank you.
तो हियर वी गो भाई, भुवनेश्वर आ गए हैं यार। एक बात तो है, स्टेशन पे काम बहुत सॉलिड चल रहा है, उस तरफ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस तरफ भी चल रहा है, अच्छा लगा देख के। चलो आगे चलते हैं भाई, देखते हैं इसका लोगों का हॉकिंग कैसा आता है यहाँ से और डिपार्चर कैसा होता है। ये गाड़ी देखो काफ़ी अच्छी है यार, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ पूरी के लिए। रात को सोइए, आराम से जाइए, डेली चलती है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सप्ताह में दो दिन तीन दिन, ऐसा करके डेली है। ये प्रशांति एक्सप्रेस है, इसी में मुझे जहाँ तक उम्मीद याद है शायद इसमें चार स्लीपर है बस, बाकी पूरा एसी है मुझे जहाँ तक याद है। मैं देख लूँगा बाकी जो भी होगा आपको नीचे दिख रहा होगा। इसका नंबर ऑफ हॉर्स बहुत ज़्यादा है, ये डेली गाड़ी काफ़ी इसका नाम है। चलो यही है, ब्लॉग एंड करते हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर। अब तक देख ही लियो तो लाइक कर दो भाई, अच्छा लगा है तो, नहीं कर लगा तो मत करना भाई, डिसलाइक करके गाली भी दे सकते हो ना, क्या गाली मत देना वो ज़्यादा हो गया। सब्सक्राइब करने का मन है तो कर दो भाई, और वाला फील देख रहा है ऐसा बोलना चाहिए मुझे, ऐसा जान तो जगह मैंने देखा था वो फील आ रहा था, ऐसे बताऊँ कैसा राम मंदिर का तो था ना यार, ऐसा फील आ रहा है। मतलब वहाँ पे भी ऐसे देखा था, क्रेन्स लगा हुआ था लाल रंग का ऊपर, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो बाहर जाके देखते क्या काम हुआ स्टेशन पर। चलो व्लॉग एंड करते हैं, वैसे इतना जब बोले हैं तो याद रखना भाई, ये जो ट्रेन गई थी इसमें 8 स्लीपर है, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा स्लीपर है, जब ये ICF थी तो उसमें 12 स्लीपर्स थे, तो स्लीपर का आबादी कम तो हो रहा है, आपको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज भी लोग स्लीपर में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, मेरे फैमिली में खुद मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि वो स्लीपर में ही ट्रैवल करें। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है बैकग्राउंड यार, रहा। चलो गेट बंद करते हैं, आरके सब ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, ऐसे एक बार बीच में बोले कि भैया बंद कर दो, अच्छे से बोल रहे हैं।